हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जल्दी से उठा हूँ, आज उठ के तैयार हो गया हूँ। आज है एकादशी। अभी नानी माँ को, बड़ी मम्मी को इस्कॉन लेके जाना, दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर मेरे को अपने एक दो काम करने हैं। पहुंच गए भाई, पहुंच गए इस्कॉन। अरे हरे, अरे राम, अरे राम। कैसे ब्रो जी? परम वैष्णव मिल गए थे। चलो अब निकलते हैं। मैं एक्चुअली गाड़ी बाहर ही निकाल रहा था। मामू के पास भी पहुंच गया हूँ। बस मामू पहले गोड़िया मठ में थे, अब घर पे आ गए हैं। बस लेके मामू को निकलता हूँ यहाँ से। हरे कृष्णा मामू, किद्दा यार तू? अभी मामू का ना बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो करके आते हैं। ठीक है, चलो। मामू काम कंप्लीट करने के बाद बस अभी आके घर पे प्रसाद लिया है एकादशी का, और बस डेकोरेशन वगैरह चल रही है। कुछ तो पाओगे, शेरवानी कुछ तो पाओगे। जय भाई। नहीं अपा, चल रहा है। होनी होनी चल रहा है। ये सरप्राइज है अभी। हाँ अभी सरप्राइज है, ये सरप्राइज है। लेकिन मैं तो दिखा दूंगा थोड़ा थोड़ा, जो जो पहनोगे ना, थोड़ी थोड़ी सी वीडियो, हल्की हल्की क्लिप दिखाऊंगा। आऊंगा दाढ़ी भी कटा लियो। कल 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 पारण कर देना पूरा। कल पारण कल उड़ा देनी। जगह चेक। कल देना पूरा। डॉक्टर बनेगा? फिर की बने? चाय पानी तो पिला दो। पानी लिया, पानी लिया भाई, पानी। अभी मैंने मामू को किया है ड्रॉप। बस अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ। तैयारियां चल रही है, आपने देखा ही है यार शीशा के। तो भाई मैं आ गया हूँ गाड़ी में, अभी निकल रहा हूँ इस्कॉन के लिए। डेकोरेशन हो चुकी है घर की, पूरी करवा दी है। अब जाके फ्री हुए हैं। मैंने कहा अब टाइम ना हो जाए, दीपदान का टाइम हो चुका है। अब निकल रहे हैं इस्कॉन, बने रहना वीडियो में। चलो भाई चले, पहुँच गए। लास्ट के 5 दिन रह गए हैं और इस्कॉन भरा हुआ है। आज तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं। वाओ यार, आज तो दर्शन है भाई। हरे कृष्णा। ये चीज बढ़िया पता लगी मेरे को कि यहाँ पे एकादशी का ना प्रसाद मिल जाता है खाने के लिए। फ्रेंच फ्राइज वगैरह, टिक्की, व्रत वाली, और क्या क्या भाई? ओ व्रत का बोल रहा हूँ मैं, थाली भी मिल जाती है। व्रत का नहीं होता यार, बढ़िया। अब तो यहीं पे आ जा करेंगे दोपहर में खाने के लिए। छोटे छोटे बस यहीं तक है। ऊपर का आज तक पूछो कैसा भाई? ये धूल उड़ा रहे ना, ये धूल क्यों उड़ा के आई है? ओ आया है, ये धूल क्यों उड़ा के आई इतनी तेज तेज? भाई घर से उठा लिए जाओगे। ओ ये तो, ओ तू यहाँ पे कैसे आ गया? ऐसे ही भाई, ये वही टेररिस्ट है। पहले वहां से भी आ गया। पहले वहां से भी आ गया। ये भाई वही है, वही टेररिस्ट है। मुझे देख लो इसकी टेररिस्ट है। हमारी सर लगता नहीं है तेरा? लोग बोलेंगे भाई ये तो बहुत मजे लेता है भाई, दोस्त है अपने, तो चलते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा भाई। और फ्रेंच फ्राइज तो मिले नहीं, एक्चुअली खत्म हो गए थे। चलो कल खाते हैं। ठीक है भाई, हम भी निकल रहे हैं। फ्रेंच फ्राइज लेने गया था, खत्म हो गया यार फ्रेंच फ्राइज। इस्कॉन में ज्यादा रश इसलिए है क्योंकि अपना पांच भीष्में लग गई स्टार्ट है ना। मैं पांच भीष्मा की कहते हैं, पंच भीष्म। लास्ट के 5 डेज हैं, बहुत ही जो पवित्र होते हैं ना, प्योर कुछ बोलते हैं ना, ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए ये लग गया है, तो इसलिए अब यहाँ पे 5 दिन तो भाई दबा दब रश रहेगा। ऊपर से आज एकादशी है, सोने पे सुहागा। अभी मैं आऊँ मठ के बाहर, वहाँ पे ना एक्चुअली गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, तो मैंने मार्केट में लगा दी गाड़ी। मामू को फ़ोन किया था, मामू कह रहे मैं तो गोड़िया मठ में हूँ। मैंने कहा चलो यहाँ पे भी दीपदान कर लिया जाए। यहाँ पे भी मैंने गोड़िया मठ में एक बार किया दीपदान, उसके बाद मैं आया ही नहीं हूँ, तो अभी एक बार कर लेता हूँ दीपदान यहाँ पे ना। तो गाड़ी यहीं पे लगा दी मैंने, वहाँ तो भरा ही पड़ा है। बताया ना 5 भीष्म स्टार्ट हो चुकी हैं, तो भाई जगह ही नहीं थी।
ये देखो भाई सारी की सारी भरी पड़ी है, कहीं पार्किंग नहीं है, यहाँ भी रोड तक लगा रखी है गाड़ियाँ, कहीं भी नहीं है। मैं सोचा यहाँ पे अंदर लगा दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक बंदे ने लगा रखी है क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है। तो फिर मैं यहाँ से निकाल के सीधा ही ले गया, वहां लगा दी। अरे ये बहुत प्यारा लग रहा है। जय हो जय हो जय हो, दंडवत लगेगी बाद में, दर्शन करवाऊंगा। जय हो राधा माधव। वाह भाई, है चैतन्य महाप्रभु साथ में। भाई हट जो फटाफट भाग रहे हैं, भाई फटाफट भाग रहे हैं यार। जो हमारा टाइम आया ना सब्जी लेने का, पुलिस वाले भाई इन्होंने भगा दिया। एक्चुअली दर्शन करने के बाद ना हम आ गए थे यहाँ पे। भाई सक्सेसफुल हो गया काम, अपन ने आगे जाके बंदा पकड़ लिया, मतलब रेडी वाला सब्जी वाला ले ली, एक दो सब्जी ले ली। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ घर में, और टाइम बताऊं कितना है वो देखो, 10 बज रहे हैं, क्योंकि गौड़िया मट गया, फिर वो सब्जी वालों को जो भी पुलिस वाले ने भगा दिया था, फिर सब्जी ली आगे जाके, उसके बाद कुछ खाना पीना था जानू को, वो खाया पिया, फिर उसके बाद घर आया। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। ब्लॉग को समाप्त मैं यहीं पे करता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय, हरे कृष्णा।